अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू न्यू वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ प्रोटीन। अच्छा, इससे पहले हम बायोलॉजी के दो तीन लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, उसके अंदर अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ऑप्शन के अंदर बता सकते हैं, फिर हम उन्हें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स अ प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोटीन का टॉपिक है, मैं सिर्फ सिंध टेक्स्ट के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सिंध टेक्स्ट की भी होगी, उसके अलावा जो फेडरल का बुक है उनकी भी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कम्बाइंड इन्फॉर्मेशन के साथ ही टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँगा, और एक किस्म के स्मार्ट तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वक्त कम होगा और हमें ज़्यादा सीखना है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बता रहा था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके अलावा इनके जो एमसीक्यूज हैं या आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, या सवाल वगैरह सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप ज्वाइन कर लें, और आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे डेली टॉपिक्स के हिसाब से, तो वो डाउट्स वहाँ पे इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे उस डाउट्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का मतलब है फर्स्ट रैंक। अच्छा, इसे फर्स्ट रैंक क्यों कहा जाता है वो जब हम इनकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे तभी पता चलेगा कि भाई इन्हें फर्स्ट रैंक पे क्यों लिया गया है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्रोटीन है वो डिस्कवर्ड किया है एंटोन ओप्री ने 1789 के अंदर। कब? 1789 के अंदर। अच्छा, उसके अलावा इसका जो नाम सजेस्ट किया है वो जे जे ब्रिजलिस ने किया है इन 1838 के अंदर। अच्छा, इनकी इम्पॉर्टेंस एज अ वाइटल कंपाउंड, यानी ये प्रोटीन का जो कंपाउंड है या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड, ये कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, कितना ज़रूरी है, कितनी इनकी वाइटल इम्पॉर्टेंस है, उस इम्पॉर्टेंस को जो एक्सप्लेन किया है वो जी जे मर्डर ने किया है 1883 के अंदर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यानी इनकी जो वाइटल इम्पॉर्टेंस है उस वाइटल इम्पॉर्टेंस को जो एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन कर रहा है? जी जे मर्डर कर रहा है 1883 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। प्रोटीन को आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोटीन एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉलीमर। पॉलीमर और मोनोमर से तो आप वाकिफ होंगे। आप मोनोमर का मतलब है एक किस्म का सिंगल मालिक्यूल, मोनो का मतलब है वन और मर्स का मतलब है मालिक्यूल, मोनोमर और सिंपल मालिक्यूल। और प्रोटीन जो हमारा है वो क्या है, एक किस्म का पॉलीमर है। पॉली का मतलब है मेनी, मर्स मालिक्यूल, यानी प्रोटीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, मालिक्यूल्स होंगे। तो आप प्रोटीन को पॉलीमर भी कह सकते हैं, मैक्रो मालिक्यूल भी कह सकते हैं, पॉलीमर भी कह सकते हैं तो मैक्रो मालिक्यूल भी कह सकते हैं, या आप इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो प्रोटीन एक किस्म का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक किस्म का पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, अब अमाइनो एसिड क्या है इनको भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जान लें कि अमाइनो एसिड जो है वो क्या है, मोनोमर है। क्या है? मोनोमर से, यानी ये मोनोमर्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जिस तरीके से जो ब्रिक्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक किस्म की बिल्डिंग बनाती हैं या रूम बनाती हैं, इस तरीके से ये जो मोनोमर्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं या पॉलीमर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो क्या है, आप इसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, उसके अलावा आप इसे मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसके अलावा आप इसे पॉलीमर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉली। पॉली का मतलब है मैनी, मर्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल, यानी एक किस्म का ऐसा कॉम्प्लेक्स बड़ा मालिक्यूल जो कि बहुत छोटे मालिक्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे मालिक्यूल से बना हो। ठीक है, तो दैट्स द प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक किस्म का वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, यानी सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है तकरीबन हर एक्टिविटी के अंदर इनका काम होता है।
चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो या ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम हो या ऑक्सीजन को कैरी आउट करने का काम हो या सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्शन का काम हो या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, तो तकरीबन हर काम के अंदर प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है, चाहे बॉडी की दिफा का काम हो। तो सेल हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर तकरीबन जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर प्रोटीन का रोल शामिल है। तो इसी वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल की कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये अमाउंट के अंदर भी और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने ड्रेवेट किया था सेल का, कि एक सेल है, अगर उनसे आप पानी वगैरह निकाल दें तो यहाँ पे जो भी मटेरियल बचेगा उस मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, ड्रेवेट का नाम देते हैं, ठीक है। अब पानी निकल गया तो ड्रेवेट के अंदर क्या बचेंगे, बायोकेमिकल्स बचेंगे। क्या बचेंगे, बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स या बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स तो हमने पढ़े थे, तीन चार है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो जो प्रोटीन होता है ड्रेवेट के अंदर, मतलब मोर देन 50% प्रोटीन होता है, मोर देन 50% प्रोटीन होता है। बकाया जो 50% होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी दूसरे मॉलिक्यूल से इनकी जो क्वांटिटीज है, जो तादाद है, बहुत ही ज़्यादा है। इनके काम भी ज़्यादा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है सेल के अंदर प्रेजेंट या ड्रेवेट के अंदर प्रेजेंट। तो इसी वजह से ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके अलावा हमारी बॉडी के जो कॉमन पार्ट्स हैं वो भी तकरीबन किससे बने हैं, वो भी तकरीबन प्रोटीन से बने हैं। जैसे हमारे हेयर्स हो गए, हमारे नेल्स हो गए, अच्छा उसके अलावा हमारी स्किन हो गई, जो परिंदे हैं उनके फीडर्स हो गए, अच्छा एनिमल का फर हो गया। तो इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं, जनरल बॉडी पार्ट। तो इसी वजह से प्रोटीन को ये भी कहा जाता है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यूज। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यूज है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स से तो आप बाकी होंगे, ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज, यानी हमारे टिश्यूज की या हमारे बॉडीज की प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि तकरीबन जो हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं या हमारे सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोटीन का बड़ा रोल होता है, एक किस्म के ब्लॉक के तौर एक्ट करता है। प्रोटीन क्या करता है, एक किस्म के ब्लॉक के तौर एक्ट करता है। तो इसी वजह से हम इनको फर्स्ट रैंक पे भी कहते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ प्रोटीन के बारे में इंट्रोडक्शन। अच्छा, उसके अलावा हम सोर्सेज की बात करें। सोर्सेज का मतलब है कि प्रोटीन किन चीज़ों से हमें मिलता है, प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है। तो प्रोटीन तकरीबन बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मेजर सोर्सेज ही डिफाइन करेंगे कि प्रोटीन के मेजर सोर्सेज कौन से होते हैं। मेजर सोर्सेज के अंदर, प्रोटीन के अंदर आ जाता है हमारे पास एग आ जाता है, अंडा, अंडे के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। अच्छा, मीट हो गया, उसके अंदर प्रोटीन होता है ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा फिशेज हो गए, फिशेज के अंदर प्रोटीन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा पल्सेज हो गए, उनके अंदर प्रोटीन होता है। अच्छा, उसके अलावा पीस, ठीक है। तो ये है कुछ मेजर सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। अच्छा, और भी चीज़ों के अंदर, वेजिटेबल वगैरह के अंदर प्रोटीन होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मेजर सोर्सेज को जो डिफाइन किया है वो मेजर सोर्सेज ये है। सोर्सेज का मतलब है किन चीज़ों से प्रोटीन हमें हासिल होता है, हम कहाँ से प्रोटीन को गेन करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम प्रोटीन को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब यह हो गया प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं प्रोटीन की कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब है किन चीज़ों से प्रोटीन बना है, ठीक है। तो कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। अच्छा, तो कंपोजिशन के हवाले से हम देखें कि प्रोटीन्स आर जनरली कंपोज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स के बने हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोटीन क्या है, बायो मॉलिक्यूल, और बायो मॉलिक्यूल मैंने बताया था कि बायो एलिमेंट्स पे बने होते हैं, ठीक है। टोटल 16 हमने बायो एलिमेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। तो उनके अंदर जो ये 4 एलिमेंट थे वो क्या थे, मेजर एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर द मेजर एलिमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभार फास्फोरस एंड सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। मेजर जो एलिमेंट है वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन याद रखिए कि प्रोटीन की क्या है, पहचान है। नाइट्रोजन क्या है, पहचान है। अच्छा, पहचान कैसे है,
जब अमाइनो एसिड को हम डिस्कस करेंगे, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर और फार्मूला को डिस्कस करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि प्रोटीन किस तरीके से प्रोटीन की पहचान है। ठीक है, तो फिलहाल आप जहन में रखिए ये चार एलिमेंट उनके फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कभी कभार सल्फर सॉरी फॉस्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इन्हें नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। किसकी प्रेजेंस की वजह से? नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से। अच्छा, नाइट्रोजिनस बेसिस नहीं कह रहा हूँ, नाइट्रोजिनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आएगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है। ठीक है, प्रोटीन एक किस्म का क्या है? नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, तो ये इनकी जनरल कंपोजिशन है, इन चीज़ों से ये प्रोटीन बनाए। अच्छा, हम जो डिफाइन करेंगे कि प्रोटीन एक किस्म का कॉम्प्लेक्स बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि बना है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, और ये जो छोटे मॉलिक्यूल से ये अल्टीमेटली किसके बने हैं? ये अल्टीमेटली बने हैं इन एलिमेंट्स से। यानी प्रोटीन क्या है? एक किस्म का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या पॉलीमर जो बना है किसका बना है? अमाइनो एसिड से बना है। अब ये अमाइनो एसिड भी क्या है? एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? अमाइनो एसिड भी एक किस्म का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना है वो किसका बना है? बायो एलिमेंट्स का बना है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आ जाता है, सल्फर और फास्फोरस भी आ जाते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स का बना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें समझना है अमाइनो एसिड को, हमें अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन को समझना है, उनके फार्मूला को समझना है। जब हम अमाइनो एसिड को समझ जाएंगे तो हम प्रोटीन की लॉन्ग चेन को समझ जाएंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन की मतलब फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा जब हम अमाइनो एसिड की हिस्ट्री को समझेंगे, अमाइनो एसिड को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाइनो एसिड को समझते हैं, उसके बाद हम ये समझते हैं कि अमाइनो एसिड कैसे ज्वाइन होते हैं और कैसे ज्वाइन करके एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं या प्रोटीन की चेन बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अमाइनो एसिड क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा, तो अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड क्या है? एक किस्म का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये क्या है? मोनोमर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन्स का मोनोमर है। मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है वन, मर्स का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल, मर्स का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल, यानी सिंगल मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो ये मोनोमर से प्रोटीन का, यानी प्रोटीन्स का छोटा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक से क्या है? अब प्रोटीन क्या है? हमारे टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन प्रोटीन खुद का बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोनोमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स, और अप्रोक्सीमेटली 170 अमाइनो एसिड हमारे सेल्स के अंदर और हमारे टिश्यूज के अंदर फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट नंबर है, 170 अमाइनो एसिड फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर और हमारे टिश्यू के अंदर, यानी हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन समझने वाली बात यही है कि सारे जो अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर काम नहीं आते। प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर जो काम आते हैं वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड। उन 20 अमाइनो एसिड को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल का मतलब है कि ये 20 अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन किसका बना है? अमाइनो एसिड का बना है। तो ये 20 अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड्स बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और यही 20 अमाइनो एसिड्स बहुत सारे प्रोटीन के टाइप्स बनाते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ द प्रोटीन के किस्म बनाते हैं यही 20 अमाइनो एसिड। जिस तरीके से मतलब जो अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं वो बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो इसी तरीके से ये 20 अमाइनो एसिड बहुत किस्म की वैराइटीज़ बनाते हैं, किसकी? प्रोटीन की वैराइटीज़ बनाते हैं। अच्छा, किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, मतलब जो प्रोटीन के चेन की या पॉलीपेप्टाइड के चेन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? अमाइनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती हैं। लाजमन अमाइनो एसिड पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमाइनो एसिड अरेंज होंगे या जितने नंबर्स होंगे, जिस किस्म की अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी होगी, आगे जाके प्रोटीन की भी वही प्रॉपर्टी बनेगी। तो जो प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? वो अमाइनो एसिड के ऊपर भी, उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। यानी ये प्रोटीन को यूनिक प्रॉपर्टी देते हैं। क्या देते हैं? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोटीन की बनती है, एक प्रोटीन की चेन दूसरे प्रोटीन की चेन
से डिफरेंट होती है वो क्यों होती है, वो इसी अमाइनो एसिड्स की वजह से होती है, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस की वजह से होती है, और उसके अलावा अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज के और अरेंजमेंट के बुनियाद पे होती है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स गिव यूनिक प्रॉपर्टीज टू दी पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन को ये यूनिक क्या देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, इनका फार्मूला देख रहे हैं, यानी अमाइनो एसिड का फार्मूला। अच्छा, उससे पहले कि ये जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड बेसिकली कंटेन क्या करता है, अमाइनो एसिड ऐसे समझें कि अमाइनो एसिड की फार्मेशन के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होती है। तो अमाइनो एसिड की फार्मेशन के अंदर तीन चीज़ें मौजूद होती है, एक तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप जो कि हमारे पास क्या है, ऐसे देखिए यहाँ NH2, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर जो सॉरी अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होता है वो कार्बोऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोऑक्सैलिक ऐसे। अच्छा, प्लस के अंदर क्या होता है, प्लस के अंदर होता है एक अल्फा कार्बन होता है, जिस अल्फा कार्बन से दोनों ये ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और प्लस के अंदर एक आर ग्रुप होता है, रेडिकल ग्रुप होता है। तो हम इसको देखते हैं, इनकी फॉर्मेशन को देखते हैं कि फार्मूले के अंदर देखते हैं कि ये ग्रुप कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो हम अब देखने जा रहे हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को समझेंगे तभी हमें आगे प्रोटीन की लिंकेज समझ में आएगी, इनके दरमियान जो एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज बनती है वो लिंकेज समझ में आएगी जब हम इनके फार्मूला को समझेंगे, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अमाइनो एसिड के अंदर मैंने कहा था दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो अमाइनो ग्रुप आता है, क्या होता है, अमाइनो ग्रुप आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप आता है, कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप आता है, और उसके अलावा तीसरी चीज़ कौन सी है, तीसरी चीज़ है अल्फा कार्बन आता है, ठीक है। चौथी चीज़ कौन सी, चौथी चीज़ है रेडिकल ग्रुप आता है, क्या आता है, रेडिकल ग्रुप आता है, ठीक है। यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या है, अमाइनो ग्रुप है, जो कि नेचर के अंदर क्या होता है, अमाइनो ग्रुप हमेशा नेचर के अंदर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्या होता है, बेसिक, यानी एसिडिक नेचर नहीं होता, इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा कार्बन है। अच्छा, ये क्या है, हमारा कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप है, कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप है, जो कि नेचर के अंदर क्या होता है, नेचर के अंदर हमेशा क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि ये कार्बोऑक्सैलिक एसिड है तो नेचर के अंदर क्या होगा, एसिडिक होगा, ये नेचर के अंदर क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक और एसिडिक, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप, यानी अमाइनो ग्रुप और कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप दोनों ही अटैच होते हैं एक कॉमन कार्बन एटम से, जिस कॉमन कार्बन एटम को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन का, किसका नाम देते हैं, अल्फा कार्बन का। अच्छा, ये जो आर दिख रहा है ये है रेडिकल ग्रुप, क्या है, रेडिकल ग्रुप, रेडिकल ग्रुप का मतलब है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, यानी इसकी जगह कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, जो कि इसको क्या देगा, इनकी कैरेक्टर्स देगा या यूनिक प्रॉपर्टीज देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, हम तो 20 कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, सारे अमाइनो एसिड की जो बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है वो ये ही सेम होती है। अच्छा जी, अगर ये सेम स्ट्रक्चर होती है हर अमाइनो एसिड की, तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट कैसे होगा, अच्छा कंफ्यूजन है यहाँ। तो सारे अमाइनो एसिड की ये वाली स्ट्रक्चर तो सेम होती है, लेकिन ये जो रेडिकल ग्रुप है वो हर अमाइनो एसिड का अपना होता है, यानी डिफरेंट होता है। किसी अमाइनो एसिड के अंदर क्या होगा, रेडिकल ग्रुप की जगह क्या होगा, H होगा, किसके अंदर क्या होगा, CH2OH होगा। अच्छा, कोई किसी अमाइनो एसिड के अंदर क्या होगा, किसी अमाइनो एसिड के अंदर होगा CH3 होगा। अच्छा, इस तरीके से CH2Cl होगा, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो सारे जो अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर ये तो चीज़ें कॉमन ही, अमाइनो ग्रुप, कार्बोऑक्सैलिक एसिड, अल्फा कार्बन, लेकिन जो रेडिकल ग्रुप होता है वो हर अमाइनो एसिड का अपना अपना होता है, यानी डिफरेंट होता है रेडिकल ग्रुप। तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर अमाइनो एसिड ड्यू टू दी रेडिकल ग्रुप, यानी जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो डिफरेंट होता है किसकी वजह से होता है, रेडिकल ग्रुप की वजह से होता है।
वरना सारे जो अमाइनो एसिड है उनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, तो एक अमाइनो एसिड डिफर करता है दूसरे अमाइनो एसिड से किसकी वजह से, रेडिकल ग्रुप की वजह से या इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ठीक है। अच्छा जैसे हम देखते हैं कि एक हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लिसाइन है, ठीक है। अच्छा ग्लिसाइन के अंदर क्या होता है कि रेडिकल ग्रुप की जगह क्या होता है, एच होता है, क्या होता है, एच। अच्छा दूसरा जो हमारे पास अमाइनो एसिड है सीरीन, जिनके अंदर रेडिकल ग्रुप की जगह क्या होता है, रेडिकल ग्रुप की जगह सी एच टू ओ एच होता है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास है एलेनाइन, जिसके अंदर रेडिकल ग्रुप की जगह क्या होता है, सी एच थ्री होता है, यानी इस आर को हटाकर अगर आप सी एच थ्री रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलेनाइन बन जाएगा। अगर सी एच टू ओ एच रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सीरीन बन जाएगा। अगर इसकी जगह एच रखेंगे तो ये ग्लिसाइन बन जाएगा। अच्छा ये जो ग्लिसाइन है ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ये भी याद रखना है कि जो ग्लिसाइन है ये क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। सभी अमाइनो एसिड से जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो क्या है, ग्लिसाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड का ये जो बेसिक फार्मूला है ये बेसिक नेचर के अंदर होता है, ये एसिडिक होता है, फिर ये रेडिकल ग्रुप वगैरह जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट करता है इसकी वजह से, रेडिकल ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे लिंक्ड होते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे लिंक्ड होता है, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड हमारे पास है, मैं यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड बना रहा हूँ, तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे लिंक्ड होता है उसे हम देखेंगे, यानी लिंकेज आप भी अमाइनो एसिड को देखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिंकेज बनती है वो देखेंगे। अच्छा तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है लिंकेज ऑफ द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक्ड कैसे होते हैं उसको देखना है, ठीक है। तो इनके दरमियान मतलब एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान क्या बनेगा, बांड बनेगा। भाई बांड बनेगा तभी तो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, जब पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी तभी तो प्रोटीन बनेगा ना। तो अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं उसकी लिंकेज को हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लिंकेज को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये अमाइनो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है जो कि हमने अभी अभी स्ट्रक्चर डील किए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने कहा था कि भाई जो जब छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, यानी मोनोमर से जब पॉलीमर बन रहे होते हैं तो एक किस्म का प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, उसका एक रिवर्स प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस, जिनके अंदर बड़े मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो कंडेंसेशन बेसिकली क्या है, एक किस्म का ऐसा प्रोसेस है जिनके अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल। ऐसे कहें कि कंडेंसेशन बेसिकली इज द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। कंडेंसेशन बेसिकली इज द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर, यानी सिंपल मॉलिक्यूल बनकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंडेंसेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं आप कंडेंसेशन को। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अब वाटर का मॉलिक्यूल क्यों रिमूव होगा, कैसे रिमूव होगा, वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं अमाइनो एसिड जो कि एक मोनोमर है, जो कि कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक किस्म की लॉन्ग चेन बनाएंगे इसकी पॉलीपेप्टाइड की। और पॉलीपेप्टाइड क्या है या प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है। तो वो कैसे बनता है हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस को आप याद रखना है, कंडेंसेशन, मोनोमर्स ऑलवेज कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, मीन्स वाटर रिमूवल प्रोसेस। क्यों कहते हैं वाटर रिमूवल प्रोसेस, क्योंकि वाटर क्या होता है, इन चेन से बनता है, रिमूव होता है, यानी चेन से वाटर निकल जाता है, बनता है लेकिन निकल जाता है इन चेन से, ठीक है। तो वो वाटर के, वाटर का मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये जनरल अमाइनो एसिड है, कोई भी अमाइनो एसिड आप नाम ले लें, अगर यहाँ पे आप एच लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ग्लिसाइन जो कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अगर यहाँ पे आप निकाल कर सी ए थ्री लगाते हैं तो ये आपका बन जाएगा कौन सा, ये आपका बन जाएगा L9 बन जाएगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम इन दोनों के दरमियान क्या बनाते हैं, बांड बनाना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, ये जनरल कंडीशन के अंदर तो बांड नहीं बनाएंगे क्योंकि इनकी वैलेंसी वगैरह कंप्लीट है एलिमेंट्स की, ठीक है। तो मैंने कहा था कि भाई प्रोसेस ये खुद ब खुद नहीं होगा, लेकिन इन प्रोसेस को करवाने के लिए क्या होते हैं, प्रॉपर एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स की फैमिली होती है या कैटेगरी होती है उनको हमने नाम दिया था पॉलीमरेज एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोजिनेज और पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। अच्छा अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा तो ये
हाइड्रोजन और OH ग्रुप मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी हाइड्रोजन प्लस में OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब वाटर का मॉलिक्यूल चेन से रिमूव हुआ है, अब नाइट्रोजन की एक साइड खाली होगी, यानी एक वैलेंसी है नाइट्रोजन, अब एक बांड बना सकता है। यहाँ से कार्बन भी एक बांड बना सकता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन खुद के अंदर क्या बनाएंगे, जब ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, किससे, अब याद रखें OH ग्रुप कहाँ से रिमूव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव होता है। कहाँ से रिमूव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव होता है। और जो H रिमूव होता है वो हमेशा कहाँ से रिमूव होता है, वो हमेशा अमाइनो ग्रुप से रिमूव होता है। जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन रेडिकल ग्रुप कार्बन, और यहाँ पे हम डबल बांध दे देते हैं ऑक्सीजन का, ये वाला जो ऑक्सीजन बन रहा है तो उसको डबल बांध दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई, क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। तो अच्छा, कार्बन को बेसिकली डबल बॉन्ड्स, और पहले इस जगह पे क्या था, पहले इस जगह पे OH था, अब OH क्योंकि रिमूव हो चुका है, OH क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, तो इसकी वैलेंसी अभी खाली है, अब ये एक बांड बना सकता है। अच्छा, इसकी जगह पहले क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, कार्बन से बांड बना था, सेम बात थी, OH यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H रेडिकल। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ से इनका हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, इनका क्या रिमूव हो चुका है, OH रिमूव हो चुका है, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन और कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, ये क्या बनाएंगे, खुद के अंदर आपस के अंदर एक किस्म की बांड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बांड बनाएंगे। तो बेसिकली इस बांड को ही हम क्या कहते हैं, अमाइड बांड कहते हैं, क्या कहते हैं, अमाइड बांड और अमाइड लिंकेज। अच्छा, याद रखें अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मेड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मेड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो इसी लिंकेज को, लिंकेज का मतलब बॉन्ड, यानी लिंक एक दूसरे के अंदर क्या है, लिंकेज, तो ये जो लिंकेज बना है इसी लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, अमाइड या अमाइड बांड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन जाएगा, बांड बन जाएगा, पेप्टाइड बांड बन जाएगा या पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। अच्छा, इस तरीके से ये वाला यहाँ से भी क्या होगा, OH ग्रुप और H ग्रुप रिमूव होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, और इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन जाएगा, बांड बन जाएगा। तो इस तरीके से एक किस्म की लॉन्ग चेन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन जाएगी, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच होगा, इसके थ्रू सी और एन के बांड के थ्रू, इस तरीके से दूसरा अमाइनो एसिड अटैच होगा, इस किस्म की एक किस्म की लॉन्ग चेन बन जाएगी। इस लॉन्ग चेन को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब बेसिकली है मेनी, पेप्टाइड का मतलब क्या है, पेप्टाइड बांड, पेप्टाइड का मतलब क्या है, पेप्टाइड बांड, यानी मेनी पेप्टाइड बांड, ये पेप्टाइड बांड, यहाँ पे पेप्टाइड, यहाँ पे पेप्टाइड, तो बहुत सारी पेप्टाइड बांड बनेगी, यानी एक किस्म का मतलब एक किस्म की लॉन्ग चेन बन जाएगी, इसको नाम देते हैं लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं है कि प्रोटीन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, प्रोटीन के अंदर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन भी हो सकती है, जैसे हम इंसुलिन के अंदर देखें पॉलीपेप्टाइड की सिंगल चेन। अच्छा, उसके अलावा हम हेमोग्लोबिन के अंदर देखें तो उनके अंदर चार चेन्स होती हैं, दो अल्फा की चेन्स, दो बीटा की चेन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर कम मतलब 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन कुछ लो ग्रेड लो मॉलिक्यूलर वेट भी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंसुलिन है, कौन सा है, जैसे कि हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन जिनके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इंसुलिन के अंदर, यानी इनकी लीनियर सीक्वेंस होती है इंसुलिन की, इनके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास हेमोग्लोबिन आ जाता है, HB हेमोग्लोबिन, जिनके अंदर कितने प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, इनके अंदर 4 चेन्स होते हैं, दो जो चेन्स होते हैं वो अल्फा की चेन्स होते हैं, दो अल्फा की चेन्स होती हैं
और हर एक चेन्स के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं 141 मालिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, दो बीटा की चेन्स होती हैं, दो किसकी चेन होती हैं, बीटा की चेन होती हैं, जिनके अंदर 176 मालिक्यूल्स होते हैं, दो अल्फा की जो चेन्स, दो बीटा की चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल चार चेन्स होती हैं, चार पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, क्या होती हैं, चार पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इन चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड्स का तादाद होता है वो कितना होता है, वो होता है 570, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और कम अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 20 अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारी प्रोटीन की वैरायटीज बनाते हैं। मैंने बताया कि प्रोटीन की चेन को जो प्रॉपर्टीज देते हैं वो भी यही अमाइनो एसिड देते हैं। एक प्रोटीन की चेन, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड की चेन से डिफरेंट होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, अमाइनो एसिड की वजह से होती है। अच्छा, वो कैसे होती है, मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 5 अमाइनो एसिड हमारे पास, अमाइनो एसिड ए, अमाइनो एसिड बी, अमाइनो एसिड सी, अमाइनो एसिड डी एंड अमाइनो एसिड ई, पांच किस्म के अमाइनो एसिड। अब इन पांच अमाइनो एसिड से मैं मुख्तलिफ किस्म की चेन्स बनाऊंगा। कैसे, पहले मैंने क्या किया, अमाइनो एसिड ए को कंबाइन कर दिया किसके अंदर, बी के अंदर, बी को सी के अंदर, सी को डी के अंदर, डी को ई के अंदर, यानी ये एक किस्म की पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई। फिर मैंने क्या किया, ए को कनेक्ट किया सी से, सी को कनेक्ट किया डी से, डी को कनेक्ट किया बी से, बी को कनेक्ट किया ई से, ये एक चेन बन गई। तो ये प्रोटीन के चेन और ये प्रोटीन के चेन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अमाइनो एसिड तो बेसिकली सेम ही है, पांच अमाइनो एसिड हैं, लेकिन चेन्स डिफरेंट होगी क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, मैंने अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट रखी है या जो सीक्वेंस रखी है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन क्रिएट करते हैं, यानी सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के थाउजेंड्स टाइप्स पैदा कर सकते हैं। कैसे, सीक्वेंस